अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। सो आज जो है वो मैं बड़ी ही ढिनचक सी जो तैयार हुई हुई हूँ वो इसीलिए हुई हूँ क्योंकि आज हमें जाना है मेहंदी में। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड के भाई की मेहंदी है तो शादी का सीज़न तो स्टार्ट हो ही गया। तो ये सबसे पहली जो है लॉकडाउन के बाद की सबसे पहली शादी है जो मैंने अब अटेंड करूँगी। लाइक 2020 के जब से स्टार्ट हुआ है उसमें सिर्फ एक ही शादी हमने अटेंड की थी जनवरी में। उसके बाद लॉकडाउन और उसके बाद भी लोगों ने शादियां की, ऐसा नहीं है कि किसी ने शादी नहीं की। शादियां तो हो रही थी लेकिन हम लोगों ने अटेंड नहीं की थी। तो अब जो है वो इस सीज़न की बहुत दिनों के बाद जो है वो शादी जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो आज है मेहंदी और मेहंदी का ये मैं फुल व्लॉग बनाऊंगी और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है ये व्लॉग। आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना। अच्छा, तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो जाके सब्सक्राइब कर दो। नीचे जो है ना, नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ इतना बड़ा बड़ा, उसको जो है ना सब्सक्राइब करना और उसके बराबर में एक छोटा सा बेल का आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कर देना। इसीलिए क्योंकि आने वाली जो मेरी नई वीडियोज़ होंगी ना, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलो फिर चलते हैं। पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अपनी सारी तैयारियाँ और वो मैंने शूट करा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने कपड़े पहन लिए लेकिन मैंने वहाँ से शूट करने के लिए मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों से प्रॉपर एक ब्लॉग के साथ मिलूँगी। तो चलो फिर मैं सबसे पहले आप लोगों को अपनी तैयारियाँ दिखा देती हूँ, फिर हम वहाँ पर चलेंगे। सही है, चलो। तो ये मैंने शाम के लिए ड्रेस निकाल लिया है। तो आज मैं पहनूंगी ब्लू और ब्लू के साथ जो है ज्वेलरी जो है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने निकाली है। ये बहुत अच्छा सा डिसेंट सा ड्रेस है मेरा, ना ज़्यादा हैवी है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ऑड लगे। तो ज़रा अच्छा सा डिसेंट लुक आएगा इसका, ठीक है ना। चलो तो फिर मैं आप लोगों को ज्वेलरी दिखाती हूँ इसके साथ जो मैंने निकाली है। तो इसके साथ ये गोल्डन कलर के इयररिंग्स बहुत प्यारे लगेंगे। सो मैंने सोचा कि आज मैं इसके साथ ये वेयर कर लेती हूँ। मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं इसके साथ। और ज़रा मेरे पास इससे भी ज़्यादा हैवी ज्वेलरी है और मैं ज़रा ज्वेलरी जो है ना हैवी ही पहनती हूँ। मुझे हल्की हल्की ज्वेलरी पसंद नहीं है, नाजुक सी। तो मुझे जो है वो अच्छी ऐसी भरी भरी सी ज्वेलरी अच्छी लगती है। अच्छा, ये हो गए हैं इयररिंग्स और रिंग्स जो हैं वो मैंने दो निकाली हैं। एक ये वाली जो मैंने पहन ली है, दोनों तो दोनों मैंने अभी हाथ में डाल ली हैं और ये मैंने हाथ में पहनना है। वैसे मैं ग्लव्स पहनूंगी क्योंकि SOPs का भी हमें जो है ना ख्याल रखना पड़ता है। तो तैयारी बस अब मैंने स्टार्ट कर दी है। इस वक्त बज रहे हैं 4:30 और मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं 4:30 बजे कभी इतनी जल्दी कोई तैयारी होगी क्योंकि अब हॉल ही बंद होने लगे हैं। तो क्या करे बंदा, तो बार बार सब यही बोल रहे थे 7 बजे पहुंच जाना, 7 बजे पहुंच जाना। कॉन्गेलेंस, बल्कि मैंने जो है ना वो इसके कंटेनर से इसको निकाला ही नहीं और मैं समझ रही थी कि ये मेरा लेंस गिर गया, तो ये फाइनली इसी के अंदर ही है। अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी कि हाँ, सब यही कह रहे थे जल्दी पहुंचना जल्दी पहुंचना। तो मैंने जल्दी ही तैयारी शुरू की थी क्योंकि मुझे फिर मेकअप में और फिर शूटिंग में और हर चीज़ प्रॉपर वीडियो बनाने में टाइम इतना लग जाता, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी ही रेडी हो जाऊँगी। तो बस अभी जो है वो लेंस लगा रही हूँ मैं। शेड आप लोगों ने मेरा लेंस का देख लिया है, ब्लू कलर का शेड है ये। ये कलर लेंसेज हैं, ये जो है मेरे कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मेरी आई साइड वीक नहीं है, बस ये शौकिया मैं लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है और इसीलिए मैं लगाती हूँ सारे कलर्स वगैरह। किसी दिन मैं आप लोगों को अपनी कलेक्शन भी दिखाऊंगी लेंस की। और ये जो है मैं बहुत वैसे भी कम लगाती हूँ क्योंकि मेरी आईज काफ़ी सेंसिटिव हैं, तो मैं लगाती कम हूँ, शौक ज़्यादा है ये समझ लो बस।
अच्छा तो अब मैं जल्दी जल्दी से नेल पॉलिश भी लगा लेती हूँ अपनी। नेल पेंट मैंने अपना रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ इधर, और मेरे जो है ना सबसे फेवरेट कामों में से है ये नेल पॉलिश लगाना। कहीं भी जाना हो या मैं कहीं नहीं भी जाती हूँ तो बस अपने घर पे भी लगाती हूँ। मेरे पास ज़्यादातर पील ऑफ नेल पेंट्स हैं, और पील ऑफ नेल पेंट्स ये होती हैं कि वो फ़ौरन निकल जाती है। वैसे मेरे पास थिनर भी रहता है हमारे यहाँ, मतलब मुझे बचपन से ही बहुत शौक है क्योंकि हमारी अम्मी लगाती थी। हमारी अम्मी को बहुत पसंद थे नेल पॉलिशेस, और वो उनके पास जो है ना काफ़ी सारे शेड्स होते थे, तो वो हम लोग बचपन से जो है ना हम तीनों बहनों को बड़ा ही शौक है नेल पॉलिश वगैरह का। तो बस ये जल्दी जल्दी से मैंने सोचा नेल पेंट लगा लूँ, और फिर उसके बाद मैं रेडी तो हो ही गई थी इस वक्त। मेकअप वगैरह मैंने कर लिया था, आप लोगों ने मेरा लुक भी देख लिया। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप लोग वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी सेंड कर दिया है, और उधर आप लोग मेरा और भी प्रॉपर तस्वीरें वगैरह भी देख सकते हो। वैसे मैं एंड में भी पिक्चर्स डाल दूंगी जो आप लोग देख सकते हो वैसे, लेकिन अगर आप लोगों को प्रॉपर पिक्चर्स देखनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो हम लोग पहुंच गए हैं इधर, 7:15 थे। तो हम लोग पहुंच तो गए हैं यहाँ पे, पिंडाल में कोई भी नहीं है और सेटअप बहुत प्यारा है। हैंग ने मुझे कहा था तुम पहुंच जाने, चलो दुल्हन तो आ गई, अल्लाह का शुक्र है कोई तो आया, कोई तो आ गया, वरना मैंने कहा था मैं पिंडाल पूरा खाली पड़ा हुआ है। और ब्राइडल के लिए एक सेपरेट जो है ना बनाया जा रहा है, वैसे भी बना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, हम आपका वेलकम कर रहे हैं। मैंने किसने लेट कराया है, किसने सेटअप लगाया है? क्या बात है, सर पे उठाई थी इसमें। अस्सलाम वालेकुम नानो, बैठे बैठे आराम से बैठो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ये लेना, सबसे पहले दुल्हन को देखने वाले ही हम हैं। अल्लाह दुल्हन को तो देखो, प्यार करो, रोती बहुत है भाई। क्यों इसको बोलो रोना नहीं मेकअप इतनी, बस क्या बेटा उधर ही रख दो ना, एक टेबल बना लो वहां पे रख दो। जी बेटा, यार ये सवाल मुझे तुम लोगों से पूछना चाहिए। तुम लोग नहीं नहीं मैं तो आयशा के, आयशा को पता है शायद, उससे बात हुई है उसकी। टिकटॉकर है ना? टिकटॉकर नहीं, यूट्यूबर। हाँ बनाती हूँ, ज्यादा नहीं। ये आपके भैया आएगा ना बनाने के लिए? सही, ये मास्क मैंने वेयर किया था तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही पहनी हूँ खाली मास्क, लेकिन कोई बात नहीं, एहतियात जरूरी है। ये जिम्मेदारी आ गई है मेरे पे, तो चलो सबसे बेस्ट चीज ये है कि यहाँ पे म्यूजिक नहीं चल रहा। म्यूजिक चलता तो मैं कुछ, ओ मम्मी बिल्ली, अस्सलाम वालेकुम, बिल्ली थी यहाँ पे कुछ काम करती हूँ, ऐसे कर देती हूँ, ज्यादा चले गया। शाइन लोग नहीं आए अभी तक, सब यही पूछ रहे हैं। क्यों हमारे साथ रो ना, यहाँ पे बैठ जाओ। कौन बेटा? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल पता नहीं, अभी देख के बताती हूँ, मैं रुक जाओ। हाँ शूट करने के लिए रुको, मेरे यहाँ पे आए नहीं हो, मैंने पार्टी बदल के दुल्हन की तरफ हो गई हूँ, और यहाँ पे हो रहा है दुल्हन का फोटो शूट। 7:30-8:15 हो रहे थे और दूल्हे वाले अभी तक आए नहीं थे, तो हमने कहा शूट वगैरह कर लेते हैं। फैन मूवमेंट, फैन मूवमेंट। अरे नैना
भाई मैं तुम्हारे व्लॉग्स को फॉलो करती हूँ. थैंक यू सो मच. और तुम्हारे जितने मजे मजे खाने हैं मैंने उनको सेव कर रखा है. अच्छा बिल्कुल. और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना मैं लाजमी बना के तुम्हें बताऊंगी. मुझे तो मुंह में पानी आता है. और स्पेशली मजे की ये मेरे कुछ फ्रेंड्स का रिव्यू था मेरे लिए जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया. और ये बिल्कुल ना समझना कि वो मेरी दोस्तें हैं तो मेरी तारीफ कर रही हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी दोस्तें ऐसी हैं जो उनको मेरा काम ना पसंद आए ना वो मेरे मुंह पे ही बोल देंगी. तो अगर वो तारीफ कर रही हैं तो इसका मतलब है वो ऑनेस्टली सही कह रही हैं. क्योंकि मेरी दोस्तें अल्लाह का शुक्र है सच भी बोल देती हैं और जो है वो नहीं करती हैं. कि अच्छा दोस्त वही होता है जो आपकी बुराई आपके मुंह पे कह दे. पीछे कहने वाले तो वो आपके दोस्त नहीं होते. और ऐसे दोस्त खुशकिस्मती से ही मिलते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं माशाल्लाह. सो अब आ गई है मेहंदी. और मेहंदी के बाद जो है वो ये अच्छा तो ये बड़ा एक अच्छा सा सेटअप लगा हुआ था. यहाँ पे चाय कॉफ़ी और कुल्हड़ वाली चाय थी बड़ी ही ज़बरदस्त थी. तो उससे पहले के बच्चे यहाँ पे आके जो है वो धमाल मचा देते और इस सब चीज़ों को फना कर देते. तो मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग बनाने की कोशिश की. यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अब चल गया था डीजे और फुल म्यूज़िक ऑन था यहाँ पे. और जो है स्टार्टर में ये था गोलगप्पे और इसको तो मैंने फना कर दिया था. और बहुत ही यमी से गोलगप्पे थे ये. ये बच्चे ने मुझे लाके दिया था लेकिन मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाके थोड़ा सा जो है वो कर लेती हूँ ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ. बहुत मतलब बहुत ही ज़बरदस्त वाले ये गोलगप्पे थे. और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है. जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे होंगे तो उनको तो पता ही होगा ये बात. पापा कुछ नहीं होता थोड़ा सा खा ले. पापा आयशा को आप जब व्लॉग में आते ना तो उसको व्लॉग वही वाले व्लॉग देखती है वो. देखती इसीलिए हूँ. एक तो से खानों के लिए और फिर जब मजे मजे की बातें करते हैं. तो पापा भी मेरे साथ थे और पापा को तो गोलगप्पे नहीं पसंद. और ये वोंगटोंग वगैरह भी थे स्टार्टर में. मैं अच्छा ये वीडियो मैंने जब बनाई थी फुल वॉल्यूम में इधर गाने चल रहे थे. ये वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किए. आप लोग वहां जाके इंस्टाग्राम पे ये मेरी वीडियोस देख सकते हो विद म्यूजिक. रस्में वगैरह तो हो गई हैं. थोड़ा सा डांस भी हुआ था. मैंने थोड़ी बहुत ही वीडियो यहाँ पे अपलोड की है. मीठे पान जो थे वो बड़े ही यमी से थे. ये सेट करके इन लोगों ने रख दिया था खाने के बाद देने था. लेकिन मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी और अब मैं जा रही हूँ पापा के पास. डांस वगैरह मैंने देख लिया खूब इंजॉय कर लिया. वीडियोस मैंने बहुत कम डाली हैं. डांस बहुत हुआ था. काफ़ी देर की वीडियोज़ हैं मेरे पास लेकिन वो मैं अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि सबके प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं. वो मैंने इसीलिए अब बस लग गई है भूख और खाना खुल गया है. और मैं पापा के साथ थी तो इस वक्त काफ़ी टाइम हो गया था. लेकिन मैं इसलिए रिलैक्स थी क्योंकि मैं अब्बा के साथ आई थी तो मुझे कोई इतनी टेंशन. तो ये था मेरा आज का व्लॉग. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा व्लॉग. और इतने मज़े मज़े की जो वहाँ पे खाने थे सब कुछ आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा. डांस वगैरह. सो जो भी आप लोगों को मेरे व्लॉग में अच्छा लगे या बुरा लगे कुछ भी हो आप नीचे जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना. और अगर मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो उसको थम्स अप दे देना. मैं चलो तो मैं यहाँ पे अपना व्लॉग खत्म करती हूँ. फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल. सो कल नहीं दो दिन बाद.
ठीक है, दो दिन बाद मैं आप लोगों से बारात के व्लॉग के साथ मिलूंगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना। मैं फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।